हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम शुभी मोहित में। तो यहाँ क्योंकि मैं अब ये मेरा ससुराल में मेरा लास्ट डे है आफ्टर होली, तो बस मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मम्मी ने मुझे बोला है कि तुम अब अपनी पैकिंग कर लो, जैसे जो हमारे खेतों में होता है, या फिर जैसे दालें बहुत हो गई या फिर कुछ भी ऐसे आलू हो गए, ये हमारे खेतों में होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने घर से ही दिल्ली लेके आती हूँ। तो मैं आज बस उसी की पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है थोड़ी देर में। यहाँ मैं अपनी मम्मी की जो साड़ियाँ हैं उनमें फॉल कंप्लीट कर रही हूँ, और ये देखिए हमारे राजा साहब कैसे लेते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अपनी फटाफट से पैकिंग कर लूँ, कपड़ों की पैकिंग कर लेती हूँ। यहाँ मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और बस अब ये यहाँ पे फ्रेम लेके आए हैं, फोटो फ्रेम है जो हम अक्षरधाम गए थे वहाँ का फोटो फ्रेम है, वही रख दूँ ऊपर की तरफ। लग तो ठीक रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने घर के मंदिर के दर्शन करवाऊंगी, जो हमारे खुद के घर में मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन करवाऊंगी। तो जब भी मैं दिल्ली या कहीं से भी बाहर से जाती हूँ घर पर, तो मैं एक बार तो सोचती हूँ कि मैं एक बार अपने मंदिर के दर्शन ज़रूर भगवान के करूँ जाके। ये जो मूर्तियाँ हैं ये अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप लोग भी एक बार देखिए। तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए, अब चलते हैं मंदिर। आप लगा दो भगवान। दोस्तों, आप ज़रूर ये चीज़ बताना कि आप लोगों को मेरे घर का मंदिर कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो ज़रूर कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं ये चीज़ कि कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है ये वीडियो,
और आप पूरा मंदिर देखिए, देखो ऐसा है पूरा ऊपर। और इसमें बहुत मतलब तीनों दोनों साइड से मंदिर में पूरे दरवाजे हैं, ऊपर की तरफ भी पूरे दरवाजे ही दरवाजे हैं, ताकि पूरे खोल देते हैं ना तो बहुत हवा आती है आसपास से। बहुत ही प्यारा मंदिर है, अंदर से इसकी बनावट बहुत सुंदर बनी है। ऊपर देखो छत है, छत में भी ऊपर कमरे बनाए हुए हैं, जगह जगह पे कमरे बनाए हैं ताकि ऊपर रुक सकता है कोई अगर रुकना है तो उसे। ये जो है ये हमारे मंदिर का छोटा सा गार्डन है आगे, इसमें हमने सिर्फ फूलों को लगा रखा है ताकि भगवान पे डेली फ्लावर्स चढ़ाए जा सके। इसमें हरी श्रृंगार या रोजेज वगैरह लगाए हुए हैं हमने, तो आप ज़रूर बताना कि आपको गार्डन, वैसे गार्डन दिखने में इतना सुंदर नहीं है लेकिन इसमें सिर्फ फ्लावर हैं जो भगवान के लिए ही हैं स्पेशली, तो उन्हीं को चढ़ाए जाते हैं। इसमें तुलसी लगी हुई है, बस ऐसा ही है इसमें लगा हुआ। और मैं सच बोलूँ ना यार, मेरा घर इतना बड़ा है कि आज तक मेरे शादी को 4 साल हो गए लेकिन मैंने अपने घर के खुद से ऐसे बहुत से कमरे हैं जो मैंने नहीं देखे हैं, क्योंकि वो कभी खोले ही नहीं जाते हैं, वो हमेशा बंद ही रहते हैं। अब हमारे निकलने का टाइम हो गया है, हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। यार टाइम इतनी जल्दी कट जाता ना, पता ही नहीं चलता है। सच बोलती हूँ, हम लोग 4 दिन रहे घर में लेकिन बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स, हम अपने घर अब पहुंचने वाले हैं और अब सही मेहनत इनकी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब इन्हें पूरा सामान ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। हम रात में कम से कम 10 या 10:30 बजे तक घर पहुंचे थे। फिर उसके बाद मुझे जाके, मैंने इनको क्योंकि चाय पीनी थी, मैंने चाय बनाई और बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं, क्योंकि 4 दिन बंद रहा तो घर में थोड़ी गंदगी भी हो जाती, पूरा साफ किया। दोस्तों, यही था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।